हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, रियलमी ने अपनी रियलमी GT5 फ्लैगशिप सीरीज को मार्केट में लाने की तैयारी कर ली है। इसमें रियलमी GT5 और रियलमी GT5 प्रो पेश हो सकते हैं। वहीं अब प्रो वेरिएंट का बड़ा लीक सामने आया है, जिसमें फोन के प्रोसेसर और कैमरा डिटेल मिली है। बता दें कि ये फोन सबसे पहले कंपनी चीन में लेकर आएगी, इसके बाद इंडिया सहित अदर मार्केट में भी लॉन्च हो सकता है। रियलमी के GT5 प्रो डिवाइस को लेकर टिपिस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने माइक्रो ब्लिंक साइट पर इन्फॉर्मेशन शेयर की है। गाइस, बताया गया है कि रियलमी GT5 प्रो में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर मिल सकता है। बता दें कि यह प्रोसेसर अब तक मार्केट में नहीं आया है। इसका लॉन्च अक्टूबर में पॉसिबल है, यानी कि यह प्रो मोबाइल इस चिपसेट के आने के बाद आएगा। GT5 सीरीज के सामान्य मॉडल रियलमी GT5 की बात करें तो इसमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का चिपसेट मिल सकता है। साथ ही इसकी लॉन्चिंग भी प्रो मॉडल से पहले की जा सकती है। बड़ी बात सामने आई है कि GT5 प्रो स्मार्टफोन में पेरिस्कोप कैमरा मिलेगा, जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम की सुविधा होगी। डिटेल में बात करें तो डिवाइस में ओविनिविजन 64MP का सेंसर और सोनी IMX सीरीज का 1 या 1.4 इंच सेंसर OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ दिया जा सकता है। रियलमी GT5 और रियलमी GT5 प्रो स्मार्टफोन को अलग अलग समय पर पेश किया जा सकता है। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो सबसे पहले GT5 इस महीने अगस्त में लॉन्च हो सकता है। वहीं प्रो मॉडल की एंट्री साल की आखिरी तिमाही नवंबर दिसंबर में हो सकती है। वहीं रियलमी GT5 के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन की बात करें, जो कि कंफर्म नहीं है, सिर्फ एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन है, तो रियलमी GT5 में 6.4 इंच का 1.4K OLED डिस्प्ले मिल सकता है। इस पर 144Hz रिफ्रेश रेट और 2160 PWM सपोर्ट दिया जा सकता है। डिवाइस में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दे सकती है। स्टोरेज के मामले में डिवाइस में 24GB तक की रैम और 1TB तक की इंटरनल स्टोरेज दिया जा सकता है। कैमरे फीचर की बात करें तो डिवाइस 3rd-rear कैमरा सेटअप से लेस होने की उम्मीद है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ 50MP का IMX 890 प्राइमरी लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का अन्य लेंस दिया जा सकता है। वहीं सेल्फी के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। बैटरी के मामले में डिवाइस 2 ऑप्शन के साथ आ सकता है, जिसमें 4600mAh की बैटरी के साथ 240W की फास्ट चार्जिंग और 5200 बैटरी के साथ 150W की फास्ट चार्जिंग दी जा सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 13 रन कर सकता है। वहीं अदर फीचर की बात करें, यह मोबाइल IR ब्लास्टर, ब्लूटूथ, वाईफाई, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे अदर फीचर के साथ लॉन्च हो सकता है। बाकी दोस्तों, देखना यह है कि ये फोन कब तक लॉन्च होगा और इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है। जैसे ही इस फोन के बारे में कोई लेटेस्ट न्यूज आती है तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।